हरियाणा में विधायकों के इस्तीफे देने का सिलसिला जारी है। वहीं बीजेपी को इसी के साथ बड़ा झटका लगा है। विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 3 और विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं जननायक जनता पार्टी के विधायक रामनिवास सूर्जाखेड़ा के इस्तीफे में खामियां होने के कारण लौटा दिया गया। अब सूर्जाखेड़ा को दोबारा अपने पद से इस्तीफा देना होगा। गौरतलब है कि 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में अब विधायकों की संख्या कम होकर 83 पर पहुंच गई है। आपको बता दें, विधानसभा स्पीकर ने दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सिंह सांगवान, बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाक और उकलाना से जेजेपी विधायक अनूप धानक के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। यहाँ पर काबिले गौर है कि पिछले दिनों तो शाम से कांग्रेस विधायक रही किरण चौधरी का इस्तीफा मंजूर किया गया था, जिसके बाद किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और रानिया से निर्दलीय विधायक रहे चौधरी रंजीत सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। रंजीत सिंह का इस्तीफा उसी समय स्पीकर ने मंजूर कर लिया था। मुलाना से कांग्रेस विधायक रहे वरुण चौधरी ने अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने के बाद अपनी सीट खाली की थी। वहीं 2019 में बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक बने राकेश दौलताबाद का निधन होने की वजह से यह सीट रिक्त है। अब 3 और विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने से 90 सदस्यों वाले विधानसभा में वर्तमान में 83 विधायक है। वही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी के गुला से विधायक ईश्वर सिंह, नारनौत से रामकुमार गौतम और तोहाना से देवेंद्र बबली भी इस्तीफा दे सकते हैं। शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण काला पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, हालांकि उन्होंने विधानसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी है। सूत्रों के मुताबिक जोगीराम सिहाग और अनूप धानक 1 सितंबर को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं रामकुमार गौतम के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।